ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धन और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 24 सितंबर 2022 की रात्रि में 8:51 पर शुक्र सिंह राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कन्या राशि में 18 अक्टूबर 2022 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस दौरान सभी राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। बुध के द्वारा शुक्र का नीच भंग होगा तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इनको व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रभाव रहता है। शुक्र की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर मजबूत हो तो ऐसे जातक को जीवन में हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक जीवन में हर प्रकार का भोग विलास से जुड़ी हुई चीजों को अर्जित करता है। शुक्र बलि हो तो वैवाहिक जीवन काफी शानदार होता है। शुक्र बलि हो तो जातक अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सक्षम होता है। वहीं ऐसे जातक को संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में कम प्रयास करने पर भी सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं जन्म कुंडली पर शुक्र यदि खराब हो तो कई प्रकार की समस्या जीवन में देखने के लिए मिलती है। शुक्र पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में समस्या, सेक्स से जुड़ा हुआ रोग, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से पागलपन जैसी स्थितियां जातक की होने लगती है। शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में लगातार विवादों और गृहस्थ जीवन में हमेशा समस्याएं परेशान करती है। इसको शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जिनका गोचर 24 सितंबर 2022 को आपके राशि से 11th हाउस में होने वाला है। राशि के 11वें भाव से लाभ के बारे में, आय के बारे में, बड़े भाई के बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में और जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। यहां पर शुक्रदेव मौजूद होकर आपके जीवन में कई प्रकार की सफलता देने वाले हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में क्रिएटिविटी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। व्यापार में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। एकादश भाव में शुक्र का गोचर होने से इस दौरान आपके आय के साधनों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। यदि पूर्व के समय से आपकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा प्रतिकूल बनी हुई थी, उसमें आपको निजात देखने के लिए मिलने वाला है। शुक्र के इस परिवर्तन के दौरान इन 24 दिनों की समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों का लाभ भी हो सकता है। 11th हाउस में शुक्र मौजूद होकर अपने सप्तम दृष्टि से आपके राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अपार सफलता मिलने की संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम विवाह के लिए यदि आप तत्पर हैं, उसमें भी आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिल सकती है। शुक्र के इस परिवर्तन के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों को परिवार का सहयोग देखने के लिए मिलेगा और कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध काफी ज्यादा बेहतर बने हुए रहेंगे।
तो इस प्रकार का प्रभाव आपके राशि के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इस दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में अनैतिक कार्यों से धन कमाने से जरूर बचना चाहिए, और जीवन में शेयर सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का यदि आप निवेश करते रहते हैं तो आपको इस दौरान सोच विचार कर निवेश करना चाहिए। अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातकों को माताओं और बहनों का पूर्ण रूप में सम्मान करना चाहिए। मां लक्ष्मी के ऊपर यदि आप सफेद पुष्प अर्पित करने के उपरांत श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं या कनक धारा स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो जीवन में स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।